चित्रा तुरंत पलटकर कहती है, मेरे पास आपके सवाल का जवाब भी है प्रशांत जी, कि क्यों आज तक यक्षिणी ने अनुराग को कुछ नहीं किया। प्रशांत तुरंत चित्रा से पूछ पड़ता है, क्यों भाभी जी, बताइए मुझे, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। चित्रा हिम्मत करते हुए प्रशांत को राज की बात बताते हुए कहती है, क्योंकि अनुराग एक भक्षानर है। जैसे ही चित्रा ये बात बोलती है, प्रशांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रशांत डर से कांपने लग जाता है। ये बात सुनकर प्रशांत इतना ज्यादा डर गया था कि डर के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। प्रशांत के रोंगटे खड़े हो गए थे ये बात सुनकर। प्रशांत डर से कांपते हुए हकलाहट के साथ चित्रा से कहता है, ये आप क्या कह रही है भाभी जी, लेखक बाबू भक्षानर कैसे हो सकते हैं। चित्रा अपनी बात पर अडिग रहते हुए प्रशांत को सब कुछ समझाते हुए कहती है, यही सच है प्रशांत जी, अनुराग भक्षानर है। आपने अनुराग की कलाई पर वो 5 निशान नहीं देखे क्या, जो निशानी है उसके भक्षानर होने की। प्रशांत खामोशी खड़ा रहता है, वो काफी डरा हुआ लग रहा था। चित्रा को ऐसा लगने लग जाता है जैसे प्रशांत को भक्षानर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा, बस डरा हुआ है। पर सच तो ये था कि प्रशांत अभी भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि अनुराग भक्षानर हो सकता है। ये बात उसके जहन में उतर ही नहीं रही थी। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अनुराग ने जो यक्षिणी कहानी लिखी है उसके चैप्टर आपने पढ़े हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि भक्षानर कौन था। प्रशांत चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, भक्षानर वही पापी दरिंदा था जिसने यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए और ब्रह्मांड पर राज करने के लिए। चित्रा तुरंत पलट कर कहती है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनुराग उसी भक्षानर का वंशज है। यही कारण है कि यक्षिणी ने अनुराग को नहीं मारा, और जितना मुझे लगता है वो यक्षिणी अनुराग से प्यार करती है, तभी वो उसके साथ यहाँ इस ग्रेवयार्ड कोठी में रह रही थी। प्रशांत तुरंत चित्रा से पलट कर पूछता है, पर यक्षिणी लेखक बाबू से प्यार कैसे कर सकती है, उसको तो पता ही होगा कि लेखक बाबू भक्षानर के वंशज हैं, वही वंशज जिसके कारण वो सदियों से इस अभिशाप को भोगते आ रही है। चित्रा प्रशांत से कहती है, प्रशांत जी प्यार वो चीज है जिसमें हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। प्यार चीज ही ऐसी है जिसे आप जितना भी रोकने की कोशिश करें वो हो ही जाता है। आखिर मैं भी तो सब कुछ जानते हुए अनुराग से प्यार कर बैठी थी। प्यार क्या, मैंने तो उससे शादी तक कर ली और अब हमारा बच्चा भी है। काश मैं पहले ही संभल गई होती, मैंने अनुराग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया ही नहीं होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। प्रशांत चित्रा की बातों पर गौर फरमाते हुए उससे पूछता है, क्या कहा आपने, आपको पहले ही पता था कि लेखक बाबू भक्षानर है। चित्रा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे सब पता था प्रशांत जी, मुझसे कुछ नहीं छुपा था, मैं सारी सच्चाई जानती थी अनुराग की। प्रशांत तुरंत पलटकर चित्रा से पूछता है, आपको पहले ही कैसे पता था भाभी जी कि लेखक बाबू भक्षानर के वंशज हैं। चित्रा भावनाओं में बहते हुए बोल पड़ती है, क्योंकि मैं भी डायन वंश। चित्रा अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही वो खुद चुप हो जाती है। चित्रा मन में सोचने लग जाती है, नहीं मैं प्रशांत को नहीं बता सकती कि मैं डायन वंश से हूँ, अगर मैंने इसे ये बात बता दी तो शायद ये मुझसे डरने लग जाए, इसे ये ना लगने लग जाए कि मैं बाकी डायनों की तरह हूँ। नहीं, अभी प्रशांत को अपने बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा, जब वक्त आएगा तब मैं खुद इसे सारी सच्चाई बता दूंगी। प्रशांत चित्रा पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछ पड़ता है, आप चुप क्यों हो गई भाभी जी, बताइए ना आपको कैसे पता था कि लेखक बाबू भक्षानर है। चित्रा बात को पलटते हुए कहती है, मुझे कैसे पता चला, क्या पता चला, ये सब जानना अभी उतना जरूरी सवाल नहीं है प्रशांत जी, अभी मुझे क्या पता करना है वो जरूरी सवाल है। प्रशांत चित्रा को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, अब आपको क्या पता करना है भाभी जी। चित्रा झट से प्रशांत से कहती है, यक्षिणी के बारे में, मुझे यक्षिणी के बारे में पता करना है प्रशांत जी। प्रशांत हैरानी के साथ अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या कहा, यक्षिणी के बारे में, आपको यक्षिणी के बारे में क्या पता करना है भाभी जी। चित्रा पलट कर कहती है, यही कि यक्षिणी इस वक्त है कहाँ पर, आपने ही कहा था ना कि ये ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है, तो फिर वो मुझे यहाँ पर कभी दिखी क्यों नहीं, मैंने कितना ढूंढा यक्षिणी को इस ग्रेवयार्ड कोठी में, रात रात भर मैं उसे पुकारती रही पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। प्रशांत फिर चित्रा से पूछ पड़ता है, पर भाभी जी आप यक्षिणी से क्यों मिलना चाहती हैं। चित्रा मन में सोचने लग जाती है, अब मैं प्रशांत को कैसे बताऊं कि मैं यक्षिणी को क्यों मिलना चाहती हूँ। प्रशांत फिर चित्रा पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, बताइए ना भाभी जी आप यक्षिणी से क्यों मिलना चाहती हैं। चित्रा प्रशांत के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ
कि उसने मेरे बेटे युग और मेरे पति के ऊपर कौन सा काला जादू किया है कि वो दोनों उसी के नाम की रट लगाए रहते हैं। दोनों पागल है उसके लिए। चित्रा गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, मैं मिलना चाहती हूँ उस यक्षिणी से। प्रशांत डरते हुए नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं भाभी जी नहीं, आपको नहीं मिलना चाहिए उस यक्षिणी से। आप उस यक्षिणी को जानती नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। डायन है डायन, जितनी ज्यादा वो खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा वो खूंखार है। यक्षिणी से मिलना मतलब अपनी मौत से मिलना, आपको उससे नहीं मिलना चाहिए। चित्रा नम लहजे के साथ कहती है, नहीं प्रशांत जी, मैं मिलना चाहती हूँ उससे, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्रशांत अभी भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं भाभी जी, आपको नहीं मिलना चाहिए यक्षिणी से, आपको अपनी और युग की जान बचानी चाहिए, आप चले जाइए युग को लेकर यहाँ से। चित्रा गुस्से में कहती है, अगर मैं जाऊंगी तो मैं यहाँ से अपने पूरे परिवार को लेकर जाऊंगी, अपने साथ अनुराग को लेकर भी जाऊंगी, उसके बिना मैं नहीं जाने वाली। प्रशांत कहता है, लेखक बाबू पूरी तरह उस यक्षिणी के वश में हो गए हैं भाभी जी, तभी तो वो यक्षिणी पर कहानी लिखने के लिए पागल हो गए हैं। क्या आपने देखा नहीं उनका पागलपन यक्षिणी के लिए? जरा सोच कर देखिए, जब वो सिर्फ यक्षिणी की कहानी लिखने के लिए इतना पागल हैं, तो यक्षिणी के लिए कितना पागल होंगे। अगले ही पल प्रशांत चित्रा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलिए मैं अभी आपको और युग बेटे को सही सलामत स्टेशन तक छोड़कर आता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना चाहिए, इस कोठी में रहना खतरे से खाली नहीं है। चित्रा कहती है, नहीं प्रशांत जी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप बात को समझिए। प्रशांत चित्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, आप भाभी के साथ साथ मेरी दोस्त भी हैं, और मैं अपनी दोस्त को खतरे में पड़ते हुए नहीं देख सकता, आपको ये कोठी छोड़नी ही होगी। इतना कहकर प्रशांत चित्रा का हाथ खींचते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे ही प्रशांत 2-3 कदम तेजी के साथ आगे बढ़ाता है, चित्रा के कदम भी अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। उसकी साड़ी का पल्लू सिलेंडर के नीचे दबा हुआ था। जब वो अपने कदम आगे बढ़ाती है तो उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है, जिस कारण उसके वक्ष दिखने लग जाते हैं। प्रशांत उसी वक्त चित्रा का हाथ छोड़ देता है। वो जान गया था कि अनजाने में उससे गलती हो गई है। प्रशांत जब देखता है कि चित्रा की साड़ी का पल्लू सिलेंडर के नीचे दबा हुआ है, तो प्रशांत उसी वक्त सिलेंडर को वहां से उठाकर पास में ही रख देता है। चित्रा साड़ी का पल्लू फर्श पर से उठाने के लिए नीचे झुकने ही वाली थी कि तभी चित्रा को फर्श पर एक परछाई नजर आती है, और जब वो अपनी नजरें परछाई की तरफ करती है तो देखती है कि दरवाजे पर अनुराग खड़ा हुआ था, जो कि गुस्से के साथ उसे और प्रशांत को घूरे जा रहा था। अनुराग को वहां पर अचानक से देखकर जितनी ज्यादा शॉक्ड चित्रा थी, उतने ही ज्यादा प्रशांत भी था। चित्रा तो यही सोचकर डरी हुई थी कि कहीं अनुराग ने उसकी और प्रशांत की बातें सुन ना ली हो, इसी वजह से वो डर से कांपे जा रही थी। अनुराग को दरवाजे पर अचानक से देखकर चित्रा जल्दी से फर्श पर से अपना साड़ी का पल्लू उठाती है और उसे अपने बदन पर वापस से लपेटने लग जाती है। चित्रा इतनी बौखलाई हुई थी कि उसके हाथ से वापस से साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है। चित्रा कुछ ही देर में अपने बदन पर वापस से साड़ी लपेट लेती है और अनुराग से रूबरू होते हुए हकलाते हुए कहती है, अनुराग तुम आ गए? अनुराग चित्रा की बात का पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है, बस उसे गुस्से से घूरते रहता है। प्रशांत भी समझ जाता है कि उसका वहां से इस वक्त जाना ठीक होगा। वो चित्रा को इस वक्त अपने साथ नहीं ले जा सकता था, ना अनुराग से लड़ सकता था, इसलिए वो तुरंत चित्रा से नजरें चुराते हुए कहता है, अच्छा भाभी, अब मैं निकलता हूँ, मुझे बिंदु को लेने स्कूल भी जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर प्रशांत वहां से जाने लग जाता है। प्रशांत वहां से जा ही रहा था कि उसी वक्त अनुराग प्रशांत का हाथ पकड़ते हुए कहता है, बिंदु को लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है प्रशांत, मैं बिंदु को घर छोड़कर आ चुका हूँ। अनुराग प्रशांत को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो प्रशांत, वो भी मेरी गैर हाजिरी में? अनुराग की बात सुनकर चित्रा समझ जाती है कि अनुराग ने उसके और प्रशांत की बातें नहीं सुनी थी, बस साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ देखकर गलतफहमी हो गई थी। इसी के साथ आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है और युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। युग मन में सोचने लग जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि माँ और प्रशांत अंकल का कोई गलत संबंध नहीं था, बल्कि उनका रिश्ता तो सच्चे देवर भाभी का था। मैं ही उस कहानी को पढ़कर माँ को गलत समझने लग गया था। कितना बुरा हूँ मैं, आज तक मैंने माँ को गलत समझा, बल्कि वैसा कुछ था ही नहीं। युग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, उस दिन प्रशांत के जाने के बाद अनुराग मुझसे लड़ता रहा, झगड़ता रहा, मेरे दामन पर कलंक लगाता रहा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि जैसा वो सोच रहा है वैसा मेरे और प्रशांत के बीच में कुछ नहीं है। उसे गलतफहमी हुई है, पर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरे चरित्र पर वो अनुराग कलंक लगा रहा था, जो कि खुद कलंकित था।
इतना कहकर चित्रा एक लंबी आह अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है। उस दिन के बाद भी प्रशांत ने एक देवर और दोस्त दोनों के रिश्ते का हवाला देते हुए कई बार मुझसे कहा कि मैं युग को लेकर यहाँ से चली जाऊँ, पर मैंने ही उसकी बात नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी रही। और मेरी जिद थी कि मैं अनुराग को लेकर जाऊंगी। मैंने अनुराग से भी कई बार कहा कि वापस चलते हैं, पर उसका कहना था कि जब तक उसकी यक्षिणी की कहानी पूरी नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जाने वाला। पर मुझे तो अनुराग को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी यक्षिणी की कहानी पूरी ही नहीं होने वाली, वो उस कहानी को लिख नहीं रहा है बल्कि जी रहा है। चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, अनुराग मेरे साथ नहीं जाने वाला था तो क्या हुआ, पर मैंने सोच कर रखा था कि मैं अनुराग को वहां से ले जाकर रहूंगी और उसके लिए मुझे यक्षिणी से मिलना होगा, क्योंकि यक्षिणी ही थी जिसने अनुराग को इस ग्रेवयार्ड कोठी से बांध कर रखा हुआ था। ऐसा काला जादू करके रखा था कि अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ना तक नहीं चाहता था। इसी वजह से मैं यक्षिणी से मिलना चाहती थी। मैंने बहुत पहले से ही प्रशांत को बताकर रखा हुआ था कि मैं यक्षिणी से मिलना चाहती हूँ। वो ग्रेवयार्ड कोठी में तो है पर मेरे सामने नहीं आ रही और मैं उसका सामना करना चाहती हूँ। पहले तो प्रशांत ने हमेशा की तरह मुझे मनाई किया कि मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए, और फिर मेरी जिद करने पर उसने ही मुझे एक रास्ता दिखाया, कहा कि अगर यक्षिणी मेरे सामने नहीं आ रही तो मुझे उसके सामने जाना चाहिए, उस जगह जाना चाहिए जहाँ पर यक्षिणी हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात जाती है। युग बड़े गौर से और खामोशी के साथ चित्रा की सारी बातें सुनता रहता है। चित्रा अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, और वो जगह थी किश्नोई नदी का घाट। वही एक जगह थी जहाँ पर मैं यक्षिणी से मिल सकती थी, क्योंकि वहीं पर यक्षिणी हर अमावस्या पूर्णिमा की रात मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाने आया करती थी। और अब तो वो इतनी खूंखार हो गई थी कि मर्दों की लाशों तक को नहीं छोड़ती थी, उसे भी गायब कर देती थी। मैंने सोच लिया था कि आने वाली अमावस्या की रात मैं वहां पर जाऊंगी। पहले प्रशांत भी मेरे साथ वहां पर चलने वाला था, पर पाउली ने अमावस्या की रात उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। यक्षिणी का डर बताकर उसे घर में ही रखा, जिस कारण मुझे अकेले ही घाट पर जाना पड़ा। और जब मैं घाट पर पहुंची तो मैंने वहां पर कुछ और ही देखा, ऐसा कुछ जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। मुझे वो सच्चाई पता चली जो अब तक मुझसे छुपी हुई थी। चित्रा की बात सुनकर युग मन में सोचने लग जाता है, ऐसा क्या देख लिया था माने अमावस्या की रात घाट पर जिसके बारे में सोचकर वो अभी तक घबरा रही है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।